Please subscribe our YouTube channel and press the bell icon for latest video. Hello friends, welcome to our YouTube channel The IB Classes. और आज हम लोग CHS द्वारा कराए गए एंट्रेंस टेस्ट क्लास सिक्स का उसका हम लोग पेपर एक रिव्यू देखने जा रहे हैं. ठीक है, अभी उसकी ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं है, तो हम लोग के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए तो आप इससे अपना क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है. तो थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो ये है राजस्थान में. ठीक है, अब राजस्थान में इसका ज्यादातर भाग राजस्थान में, इसके अलावा ये हरियाणा, पंजाब और गुजरात. ठीक है, इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है. ठीक है, लेकिन ज्यादातर भाग इसका राजस्थान में, इसलिए हम लोग इसको राजस्थान इसका सही आंसर लगाएंगे. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम की राजधानी है. तो मिजोरम की राजधानी कौन सी है, आइजोल. ठीक है, इसके अलावा गैंगटॉक कहाँ की राजधानी है, तो गैंगटॉक राजधानी है सिक्किम की. फिर ईटानगर कहाँ की राजधानी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है. और अगरतला किसकी राजधानी है, तो ये त्रिपुरा की राजधानी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है. तो इसका सही आंसर है 25 जनवरी. ठीक है, 25 दिसंबर को आपको पता होगा क्रिसमस डे रहता है, इसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 25 नवंबर, इस दिन कोई डे नहीं होता है, लेकिन इसके बाद 26 नवंबर को हम लोग के यहाँ राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है. तो किस खेल से है डेविस कप का संबंध, तो लॉन टेनिस से. नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है. नौटंकी, रासलीला, स्वांग. नौटंकी तो पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, रासलीला और स्वांग उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मनाए जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है छऊ. तो छऊ यहाँ का नहीं है, ये बेसिकली झारखंड के जो जनजातियां होती हैं वो लोग इसको मनाती हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कई बार पढ़ा है. ध्रुव तारा किस दिशा में की ओर संकेत करता है, किस दिशा में होता है, तो ये किस दिशा में होता है, उत्तर दिशा में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई थी. तो इसका सही उत्तर है 22 जनवरी 2015 को. नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है. तो दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव और छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है. तो हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 7 है. कौन कौन सा, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो भारत रत्न है. इसके बाद कौन सा आता है, तो पद्म विभूषण. ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, तो पद्म भूषण. फिर उसके बाद पद्मश्री आता है. अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो ये जो लोग खेल क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है. तो प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को. ठीक, और 28 मई है, 23 फरवरी है, तो इस दिन कोई खास दिन नहीं मनाया जाता है, लेकिन 10 फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 40 सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर. सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 37 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 23 है, और इन दोनों का अंतर आ गया 14. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में प्रतिदिन 2 से 1/4 लीटर दूध का उपभोग होता है. परिवार द्वारा सितंबर माह में उपभोग किए गए दूध की मात्रा, तो सितंबर माह में दिनों की संख्या होती है 30, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 270/4, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 67 1/2, यानी 67 1/2 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 आइसक्रीम का मूल्य दिया हुआ है, तो 100 आइसक्रीम का मूल्य बताना है. सबसे पहले एक आइसक्रीम का मूल्य निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 7.5. और फिर 100 का निकालना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 750, यानी इसका सही सेकंड आंसर सही है. इसके बाद डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन है विभाज्य की 297144 किससे विभाज्य है. तो इन सब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे 3 से 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबको सम करते हैं. ठीक है, और अगर वो इनका जो योग आ रहा है वो 3 से विभाज्य है, तो मतलब संख्या विभाज्य होगी. 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी.
इसका सबको ऐड करेंगे तो सब इसका उत्तर आएगा आपका 27, और 27 3 से विभाज्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन इतने किलोमीटर बस द्वारा चलता है, यानी सबको मीटर को भी किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, फिर कार द्वारा कितना चलता है, 2.265 को मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 0.265 हो गया, और 1 किलोमीटर 30 मीटर, यानी 1 किलोमीटर और 30 मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज किया, तीनों को ऐड करेंगे तो 8.347, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6, 14 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक, तो इसको निकालेंगे, आपका लघुत्तम समापवर्तक 336 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 0.2 इंटू 0.2 का मान क्या होगा, तो जब गुणा करेंगे तो 2 2 4, लेकिन 0.2 संख्या बाद लगा है इसलिए 0.04 आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि कोई मिश्रित धातु है जिसमें 60% तांबा और शेष जस्ता है, 150 किलोग्राम के मिश्रित धातु में जस्ता की मात्रा कितनी होगी, तो 60% तांबा था तो बचा कितना, 40%, 40% जस्ता है, यानी कि 150 का अगर हम लोग 40% निकाल लें तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 3/8, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो 5.375, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन चारों में कौन सा सबसे बड़ा है, तो इसका अर्थ क्या है कि 43 प्लस 44, इसका अर्थ क्या है 79 माइनस 39, और इसका अर्थ क्या है 99 माइनस 68, और इसका अर्थ क्या है 57 प्लस 40, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 87, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 31, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 97। तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ये क्रम है, इसमें अगली संख्या कौन सी होगी, तो इसमें 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, तो अब 6 जुड़ेगा, यानी 15 6 21। कह रहा है किसी नंबर का 9 जो है वो उसके 5% के बराबर है, तो पूर्ण संख्या, पूरी संख्या ज्ञात करनी है, तो 9 बराबर 5%, तो एक्स बराबर 100%, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, यानी कि 180 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो ऐसे में 10 ईंट का आयतन, आयतन क्या होता है, ये तीनों की तीनों अलग अलग है, यानी ये कोई घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 18 गुणे 6 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 540 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 5400, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं, और इसको 24 आवर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 86400। कह रहा है एक दर्जन किलो की कीमत 30 है, तो 8 किलो कीमत बतानी है, तो एक दर्जन किलो की कीमत 30 है, यानी कि पहले एक की कीमत निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यही आ गई, और इसको फिर 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए एक केले की कीमत आ गई, और इसको फिर हम लोग 8 से गुणा कर देंगे, तो 4 2 4 3 3 10 कितना आ गया, 20, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है, तो क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10000, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको हम लोग जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग 0.2 लिख सकते हैं, और इस पोर्शन को 0.03, तो यानी कि 34 प्लस 0.2 और प्लस 0.03, और इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे,
इन सबको जो हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 ग्राम वाला, तो 45 ग्राम को फोर्थ 4 किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज किया और इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सर डिवाइड करने के बाद आंसर आपका ये आएगा। ठीक, इसके बाद कह रहा है डिजिटल घड़ी 21:39 का अर्थ क्या है, तो 12 बजे के 12 12 में कितना जोड़ेंगे कि 21 आए, तो 9 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, यानी कि ये रात की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 45% चाहिए रहता है, लेकिन उसका 137 अधिकतम अंक आता है, 43 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि उसको अगर वो 137 + 43 अर्थात 180 अंक पाया होता तो वो पास हो जाता, यानी 180 अंक किसके बराबर है, तो 45 के, तो 100% एक्स के बराबर होगा। इसी को सॉल्व करेंगे, इसको कट करेंगे, तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 80 और 5 4 जा, और एक्स बराबर क्या आ गया, 400, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तो कौन सा तत्व या खनिज रक्त के रंग को लाल करता है, तो लौह करता है, और इसके अलावा इसके जो अदर ऑप्शन है जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम हड्डियों दांतों में सब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसकी कमी से ही हड्डियों की बीमारियां होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट आया फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म का जो जितनी आपके अंदर होना चाहिए बैलेंसिंग, वो फास्फोरस की वजह से होती है। ठीक है, इसकी कमी से भी रिकेट्स होता है। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन जिंक, तो जिंक क्या है, ये भी मांसपेशी और हड्डियों में होता रहता है, बेसिकली ये बाल, नाखून, ठीक है, और स्किन, लीवर, इन सब जगहों पे ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंड की सुबह हम घास की, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंड की सुबह हम घास पर पानी की बूंदे या ओस देखते हैं, किसके कारण होती है, तो इसका सही उत्तर क्या है, संघनन के कारण। ठीक, अगला प्रश्न है पायरिया किसकी बीमारी है, मतलब किस हम लोग की बॉडी के किस पार्ट में होती है, तो कहाँ होती है, मसूड़ों में। नेक्स्ट है कि हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, 78 आपको पता ही होगा, 21% कौन होता है, तो ऑक्सीजन होता है, और रेस्ट जितने पार्ट बचे उसमें अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपको पता ही होगा बुध है, और जो कि सूर्य के सबसे ज्यादा पास भी होता है। पृथ्वी आपको पता होगा कि सौर मंडल में तीसरा ग्रह है, सूरज से इसकी दूरी, सूरज से तीसरे नंबर पे ये ग्रह होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, तो कोयला। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है, तो कैची है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसके बाद आ गया कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है, गुरुत्व बल, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि, तो गुरुत्व बल, क्योंकि ये बल का रूप है ना कि ऊर्जा का। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, एक्रिलिक, कपास, रेशम, जूट, ये सब हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है खून की कमी को रोकने के लिए भरपूर मात्रा में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इसका क्वेश्चन पहले ही हमने कराया है कि आयरन। ठीक, इसके बाद कौन सा पौधा कीट भक्षी है, तो कौन सा है इसमें से, घटपर्णी, ठीक, जिसको इंग्लिश में पिचर प्लांट भी कहते हैं। इसके बाद है हाइड्रोफाइट्स कौन होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स कौन होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सतह अधिक घर्षण बल करता है, तो कौन सी सतह करती है, खुरदरी, जितनी ज्यादा खुरदरी सतह होगी घर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, और घर्षण बल का काम क्या होता है कि वो आपकी गति को या आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, चार्ल्स बैबेज ने। या विद्युत संघ में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, कौन कौन सी, पॉजिटिव और निगेटिव, या धनात्मक और ऋणात्मक। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस ज्वलनशील नहीं है, तो पता ही होगा आपको हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील नहीं है, और ऑक्सीजन के बिना तो किसी भी चीज का, मतलब दहन की जो क्रिया है वो तो ऑक्सीजन के बिना संभव ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पर्णहरित में कौन सी धातु उपयोग होती है, या कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो कौन सी होती है, तो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न आता है कि जल की भौतिक अवस्थाएं, तो जल तीनों अवस्थाओं पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों ही अवस्थाओं पाया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा।
और सोने की शुद्धता मापने का पैमाना कौन है, तो ये भी आपको पता होगा कौन है, कैरेट है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी क्रिया विदाउट धातु मतलब वो पूरी है ही नहीं। ठीक, अगला प्रश्न, क्षणिक शब्द का विलोम, क्षणिक मतलब बहुत कम समय के लिए, तो क्षणिक का क्या होगा, तत्कालिक। ठीक, और हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः तीन भेद होते हैं, दीर्घ, लघु और प्लुत। ठीक है, प्लुत। इसके बाद आता है, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, में जो और वो कैसे सर्वनाम है, तो ये दोनों कैसे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मतलब कि बुरी तरह से पराजित करना, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मिठाई। ठीक, इसके बाद वायु का पर्यायवाची कौन है, तो हाँ इसका सही क्या है, अनिल। ठीक, इसके बाद आ गया दोपहर में प्रयुक्त समास, तो चूंकि इसका पहला जो शब्द है दो, तो यह अंक रूपी है, इस वजह से यह कौन सा समास होगा, तो द्विग होगा। ठीक है, और अगर और, ठीक है, और या तथा इस टाइप से लगा होता है, तो वो कौन सा समास होता है, द्वंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुम्हार किस प्रकार का शब्द है, तो यह किस प्रकार का शब्द है, तत्सम। और कुम्हार या कुंभज, ये सारे किस प्रकार के शब्द हो जाते हैं, तो वो तद्भव हो जाते हैं। तत्सम और तद्भव के बारे में आपको पता ही होगा कि इनका क्या रूप होता है, जो संस्कृत से आए हुए हैं वो तत्सम होते हैं, और जो उसका बिगड़ा हुआ, ठीक है, रूप होते हैं वो कौन होते हैं, तद्भव। आते हैं नेक्स्ट में, कि तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तपस्विनी। अगला है, दशक का अर्थ क्या होता है, तो दशक का अर्थ होता है 10 वर्षों की अवधि, ना कि 10 दिन, 10 माह और 100 वर्षों की अवधि। क्या होता है, 10 वर्षों की अवधि को क्या कहते हैं, दशक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा होता है, तो ने होता है, कर्ता ने कर्म को, याद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनी तंजा तत्तमल तरुवर बहुछाए, तो इसमें ता वर्ण का रिपीटिशन है, तो इस ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था, तो गांधी जी के आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था। अगला प्रश्न है, कि गेहूं शब्द है किस टाइप का, तो वह है जातिवाचक, जो कि एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, ठीक है, ये टाइप का मुहावरा है, और जिसका अर्थ होता है भाग जाना। अगला है, कौन सा सूरज का पर्यायवाची नहीं है, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर या नीरद, तो इसका सही उत्तर क्या है, नीरद। नीरद नीरद किसका उदाहरण है, तो नीरद अर्थात बादल। इसके बाद गंगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो भीम, विदुर, भीष्म या कर्ण, तो यह भीष्म के लिए, जिनको गंगा पुत्र भी कहा जाता था या कहा जाता है। भक्त प्रहलाद के पिता का नाम क्या था, तो आप सबको पता होगा, हिरण्यकश्यप। महीने में 2 बार प्रकाशित पत्रिका को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पाक्षिक। ठीक है, प्रे का सिनोनिम क्या होगा, विक्टिम। ठीक, वायलेंस मीन्स तो आक्रामक टाइप का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्ट माने कुछ सत्य, कुछ तथ्य ऐसे हो। ठीक, और एज मतलब कोई भुजा को हम लोग ले सकते हैं, भुजा से रिलेटेड। नेक्स्ट आ गया, मरीना डिस्कस्ड अ मैटर सीरियसली। ठीक, करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सी है, तो करेक्ट स्पेलिंग लेफ्टिनेंट की ये वाली है। ठीक है, LIEUTENANT। नेक्स्ट है, कि जो जहां पर काफी बड़ी मात्रा में फलों के ट्री को उगाया जाता है, अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच फ्रूट ट्री आर ग्रोन, तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं ऑर्चर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, कि चौफर इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू, तो चौफर जो होता है इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, कि बेसिकली तो यही हो जाएगा कि ड्राइव अ मोटर कार, लेकिन मोटर कार जिसमें आप अपनी खुद की गाड़ी चला रहे हैं, खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आप यू आर नॉट अ चौफर। ठीक है, चौफर के लिए जरूरी है कि उस जो हमारे यहाँ गाड़ी, किसी और की गाड़ी खुद चलाए, ठीक, और वो भी उसको उस चीज का पैसा मिले, तो वो चौफर होता है। डिवाइड 12 मैंगो एमंग 3 बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग वन ऑफ अ काउ, यानी काउ के बेबी को क्या कहते हैं, तो काफ। और हैबिटेट ऑफ रैबिट, यानी रैबिट कहाँ रहता है, तो ब्रो। एंड नेक्स्ट है, अ मैरिड यूरोपियन गर्ल फिल इन द, ही मैरिड अ यूरोपियन गर्ल, क्योंकि इसका जो साउंड आ रहा है वो या का आ रहा है, यूरोपियन, दैट्स वाई इसका जो, इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा, तो ए यूज होगा। वर्क हार्ड अनलेस यू विल फेल,
ठीक। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ एंट क्या होता है? तो उसे कॉलोनी कहते हैं। और डायरी का प्लूरल डायरीज। द अपोजिट जेंडर ऑफ बुक, तो बुक मीन्स होता क्या है? तो डियर, यानी हिरन को बुक कहते हैं। मेल को हिरन के या डियर के मेल सेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो बुक कहते हैं। और उसका फीमेल जो होता है वो होता है डोव। ठीक। नेक्स्ट है, दे गॉसिप्स ऑल द टाइम, इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें वर्ब बताना है, तो इसमें वर्ब है आपका गॉसिप। नेक्स्ट है, पिक आउट नाउन इन द गिवन सेंटेंस, आवर आर्मी इज द सेकेंड टू द नन, तो इसमें कौन नाउन कौन हो जाएगा? आर्मी। और ये किस टाइप का नाउन है? तो कलेक्टिव नाउन है। इसमें इंपॉर्टेंट की सही स्पेलिंग कौन सी है? तो आपको पता ही होगा, IMPORTANT। ठीक। माई वन फ्रेंड लिव्स इन अ कोलकाता। ठीक। और प्यूरल, सेल्फ का प्यूरल क्या होगा? तो एफ हटके VES। ठीक। नेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है? तो लाफ्टर है। फिर गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर लॉन्गीविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस सम्राट ने बनवाया? तो किस सम्राट ने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद चटर्जी ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणमन हमारे राष्ट्रगान की है। शरद चंद्र एक मशहूर लेखक थे, जो इनकी सबसे विख्यात है इनकी लेखनी का, वो है देवदास। और सुभाष चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो वो मुंबई में स्थित है। इसके बाद सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा का किला कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कि वो कहाँ है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा किनारे बसा है? तो आगरा तो यमुना किनारे बसा है, लखनऊ गोमती के, दिल्ली भी यमुना के, और कानपुर गंगा के। अगला है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अधिकतम सीमा बनाता है? तो इसका सही उत्तर है कि बांग्लादेश, सही उत्तर तो पश्चिम बंगाल है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी ले लेते हैं कि बांग्लादेश हमारे देश भारत के साथ ही करीब, जान लीजिए कि 4096 किलोमीटर की कुल सीमा को साझा करता है। ठीक है, इसमें जो आपका ये पश्चिम बंगाल है, ये करीब 2217 किलोमीटर का साझा करता है। इसके अलावा आपका त्रिपुरा करीब 856 किलोमीटर का साझा करता है। ठीक। और मेघालय भी साझा करता है करीब 443 किलोमीटर करीब, ये भी साझा करता है। इसके अलावा असम भी करीब 262 किलोमीटर का साझा करता है। ठीक है। और जो मिजोरम है ये भी करता है, और ये भी करीब 180 किलोमीटर तक ये भी करता है साझा। ठीक। तो सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो टच करता है या सबसे ज्यादा सीमा जो साझा कर रहा है वो कौन है? पश्चिम बंगाल। और आज का अंतिम प्रश्न की आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो इसमें सही उत्तर है कौन सा है? तो ग्रेनाइट है। इसके अलावा बेसाल्ट, ग्रेब्रो, डायोराइट है, पिच स्टोन है, प्यूमाइस, फेल्साइट, और जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं डायोराइट और डोलोराइट। ठीक है, तो ये सब भी कौन है? इसके एग्जाम्पल है आग्नेय चट्टानों के। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसके बाद जब आंसर की आ जाएगी तो आप उससे भी मैच कराइएगा और तब भी हमें बताइएगा। और आंसर की आने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको वो भी आंसर की हम लोग को आपको प्रोवाइड कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।